सरकार अपनी एजेंसियों को दुरुपयोग बंद नहीं करेगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हम बापू जी के चरणों में बैठे हैं, पूरा जिले की कमेटी बैठी है, जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग सत्याग्रह बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है। और हमारे राहुल गांधी जी को इन्होंने एक अवमानना का केस बता के वो 2 साल की सजा दे दी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बताओ इसमें कौन सा बड़ा मुद्दा था? उन्होंने मोदी के लिए भाजपा कह रही है कि माफ़ी मांग सकते थे, कहीं नहीं ये माफ़ी इन्होंने समाज के लिए थोड़ा बोला है माफ़ी मांग रही है, इन्होंने सिर्फ मोदी के लिए बोला है। इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात ही नहीं है, ये तो खामखाम की बातें करते हैं। हैं राहुल गांधी जी इतने बड़े देश के नेता हैं, अगले देश के प्रधानमंत्री, वो ऐसा क्यों बोलेंगे सब समाज के लिए? ये बकवास करते हैं ये लोग। बीजेपी का तो रवैया रहा है इस तरह बोलने का, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं। दम उबलते हैं अरमान उबल जाते हैं, अरमान उबलते हैं तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश ना करना बीजेपी वालों, हम बदलते हैं दुनिया के इतिहास बदल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक ये लोग नहीं मानेंगे, हम लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे। देखिए यार, सबसे पहले तो सत्याग्रह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उनके नेतृत्व में आज सत्याग्रह का आयोजन किया गया है जिला फरीदाबाद कांग्रेस के तत्वाधान से। और जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पहले तो सिर्फ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करा जाता था विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से न्यायालय को माध्यम बनाकर हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके का व्यवहार इन दिनों चल रहा है, तो लगता है कि देश के अंदर एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो चुकी है। और इस स्थिति से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब सत्याग्रह और सड़क पर उतरने के अलावा कोई और माध्यम नहीं बचा, क्योंकि चाहे संसद हो चाहे छोटी सी सदन हो, हर जगह पे आवाज़ दबाई जा रही है। संसद में अगर राहुल जी बोलते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, और पुरजोर तरीके से उठाते हैं तो आज उनकी मेंबरशिप एक साजिश के तहत ख़त्म कर दी गई। तो जिस तरीके से देश में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हमारे बापू, राष्ट्रीय बापू महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम सत्याग्रह में आज बैठे हैं, सभी कांग्रेसजन वरिष्ठ लीडरान बैठे हैं। और हमारा इस विनाशकारी सरकार से पुनः अनुरोध है कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आएँ, इन हरकतों से अलग हटें और देश के अंदर हर व्यक्ति का सम्मान करें, विपक्ष का सम्मान करें, एक स्थान दें, अन्यथा लोग इन्हें 2024 में सबक सिखाने का काम करें।